हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, पेज नंबर 134 से 136 एंड 138 के हम कर चुके हैं। पेज नंबर आज 141 के एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा बेटा हमारा, व्हाट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि देखो, जो हमारा बैग होता है, बैग हमारे जो स्कूल का बैग होता है, दो तरह के बैग होते हैं। एक तो बैग होता है जिसमें जो फीते लगे होते हैं, हुए होते हैं, जो कंधे पर जो टांगते हैं, है ना, जिन फीतों से कंधों पे हम टांगते हैं, वो कैसे होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, चौड़े चौड़े मोटे मोटे। और एक बैग वो होता है जिसके फीते होते हैं ना, वो फीते जैसे ही होते हैं, बहुत पतले 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 पतले, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम पतले पतले फीते वाले बैग को जब टांगते हैं तो उसे टांगना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वो चुभती है, वो जो स्ट्रिप होती है वो चुभती है ना। लेकिन मोटे मोटा जो स्ट्रिप होती है, जो जो मोटी स्ट्रिप होती है, चौड़ी चौड़ी वाली, चौड़े चौड़े जो फीते वाले जो बैग होते हैं, उनमें चाहे कितना भी वजन डाल दो कंधों पे, तुम्हें चुभन नहीं होगी। लेकिन सेम वजन पे, मान चलो 5 किलो वजन है बैग में, ठीक है, उस 5 किलो वजन वाले बैग को अगर तुम मोटे मोटे स्ट्रिप के साथ टांगोगे, है ना, मोटे मोटे स्ट्रिप के साथ, पत्तियों के साथ अगर तुम टांगोगे, तो तुम्हें इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा जितना तुम्हें वो पतली स्ट्रिप वाले बैग को जब तक टांगोगे, जब होगा तुम्हें पतली स्ट्रिप वाले बैग को टांगोगे तो तुम्हें दर्द ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई जो जो पतली वाली स्ट्रिप वाला बैग होता है, उस बैग को होल्ड करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। डिफ़िकल्ट से मतलब है दर्द होता है ना, तो वो दर्द क्यों होता है। तो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, देखो देखो, जो हमारा मान चलो 5 किलो का बैग है ना, 5 किलो का बैग है, तो जब हम मोटा मोटा स्ट्रिप वाला बैग टांगते हैं ना, तो जो फोर्स लग रही है ना हमारे कंधे पर, हमारे कंधे पर जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स उस पूरे स्ट्रिप पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग जगह, क्योंकि वो मोटी है, पता है, समझे, वो मोटी है, तो हर एक पॉइंट पर अलग 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 मतलब फोर्स जो है वो मतलब एरिए पर, क्योंकि एरिया ज़्यादा है उसका, ज़्यादा ज़्यादा एरिया पर ना क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, तो हमें इसलिए फोर्स कम लगती है। लेकिन वहीं अगर हम वो धागे वाला अगर हम बैग को अगर टांगते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, फोर्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, भाई जगह ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी, है ना, क्योंकि वो तो पतली पतली है, तो सारी की सारी फोर्स उन पतली पतली स्ट्रिप पर ही रहती है, डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाती, तो पूरी पूरी फोर्स उसी पर रहती है, उस रस्सी पर, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है तो वजन ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, है ना, प्रेशर ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, है ना। तो बेटा इसीलिए होता क्या है, होता क्या है, जो पतली स्ट्रिप होती है उस पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है ना, फैल नहीं पाती है ना एक तरह से। तो इसलिए हमें क्या लगता है, जो फोर्स है ना पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं पा रही, तो पूरी की पूरी उसी पर रहती है, स्ट्रिप पर रहती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें फोर्स ज़्यादा लगती है। अगर फोर्स इधर उधर बांट लेंगे लोग, जैसे जैसे मान के चलो, जैसे एक जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बक्सा है, एक बक्से को 4 लोग कंधे पर उठाकर ले आते कोने कोने पर, और उसी बक्से को एक इंसान लेकर जा रहा है, तो जब 4 लोग लेकर जा रहे थे तो बक्से के नीचे बहुत सारा एरिया बन गया, वो बक्सा 4 लोगों के कंधे पर जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसीलिए 4 लोग आराम से उसे ले गए। लेकिन एक बंदा जब लेकर जा रहा था तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई और बंदा तो है नहीं, तो फोर्स उसी पर लगती है और ज़्यादा लगती है, बात आई समझ में, तो वही केस है। और देखो बेटा,
फोर्स अगर ज़्यादा होती है ना तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, ये एक फॉर्मूला होता है। तो होता क्या है, अगर एरिया ज़्यादा होगा ना तो प्रेशर हमें कम लगेगा। देखो एरिया मोटी मोटी स्ट्रिप थी तो हमें प्रेशर कम लग रहा था, प्रेशर कम लग रहा था तो हमें फोर्स भी कम लग रही थी, दोनों देखो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। पी जो है वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये घटा तो ये घटा, ये बड़ा तो ये बड़ा, है ना। लेकिन पी और ए जो है ये डायरेक्ट, ये इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब एक दूसरे के उल्टे, यानी प्रेशर अगर बढ़ा तो एरिया घटा, एरिया घटा तो प्रेशर बढ़ा, ठीक है, बात आई समझ में। तो हम एक तरह से इसका आंसर यहाँ से भी दे सकते हैं कि भाई जो फोर्स जो होता है ना, मतलब जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। लेकिन हम चलो लिखते हैं, चलो है ना, तो चलो कैसे लिखेंगे, देखो लिखो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बैग ऑन द मैन does not distributed at the thin strap of the bag due to the small area of it which causes the strip ऐसे लगो विच कॉजेज द पेन ऑन द शोल्डर, ठीक है। यहाँ से तुम फॉर्मूला लग देना पी बराबर एफ बाई ए, ठीक है, देख लो आराम से, जो मैंने तुम्हें बताया वही लिखा है। देखो क्या है, इंसान पर जो फोर्स लगती है ना बैग के द्वारा, जो फोर्स लगती है इंसान पर, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बैग ऑन द मैन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, या फिर ऐसे लिख लो इज नॉट, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, फोर्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती काय पर, एट द थिन स्ट्रिप ऑफ द बैग, बैग की पतली स्ट्रिप पर वो डिस्ट्रीब्यूट थी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ड्यू टू इट स्मॉल एरिया, ठीक है, नहीं हो पाती ड्यू टू द स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया की वजह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, ठीक है, विच कॉसेस, जो कारण बनता है पेन का शोल्डर पे, मतलब शोल्डर पे दर्द का कारण बनता है, ठीक है, आराम से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। ये देखो आप लोगों को थोड़े गाने वगैरह की आवाज आ रही होगी, अभी कुछ घर के सदस्य थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं नवरात्रि की वजह से, तो उस पर ध्यान मत दो, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके। हाँ तो बेटा हम क्या कह रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार बॉयंसी पूछा, बॉयंसी तो तुम्हें पता ही है, व्हाट यू मीन बाय बॉयंसी, तो बॉयंसी क्या होता है, अरे जब किसी पानी में हम किसी चीज़ को डालते हैं, मैंने बॉयंसी बताया ना, जब किसी बॉडी को पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, उसी ऊपर लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं या फिर अपथ्रस्ट कहते हैं, है ना, लिख दो बस, बॉयंसी के लिए अलग
अच्छे से वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर टाइप करो बॉयंसी बड़े आइंस्टीन, उसे डिटेल में देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसे डिटेल में देखो, ठीक है, डिटेल में समझना है तो, ठीक है, तो लिखो द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग से कर लेना, ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स ऐसे लग लो, ऐसे लगो, द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन when it is placed on the writing sahi hai na, on the surface of the water is called buoyancy, buoyancy bhi kehte hain aur upthrust bhi kehte hain, upthrust dekh lo aaram se, theek hai। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, जब किसी बॉडी को पानी के अंदर डालते हैं तो बॉडी ऊपर को उछाल लेती है, उसी उछाल जिस उछाल लेती है, उछाल किसी न किसी फोर्स से लेती है ना, तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंसी। ठीक है, द फोर्स बाय विच, एक ऐसी फोर्स जिसके द्वारा एन ऑब्जेक्ट इज मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, व्हेन जब इट इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, जब ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में क्यों तैरता है और क्यों डूब जाता है, ये पूछ रहा है। पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट को डालने पर ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है या फिर क्यों तैरता है, तो देखो बेटा मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, किसी भी चीज़ का तैरना या डूबना किस पर डिपेंड करता है, वाटर और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर। ठीक है, वाटर और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर। डिटेल में अगर ये वीडियो चाहिए तो मैं ये चीज़ें अच्छे से समझनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट राइज करेगा, कौन सा फ्लोट करेगा, किसकी डेंसिटी क्या होने पर ऑब्जेक्ट डूबेगा, कब नहीं डूबेगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलेंगे। यूट्यूब पर टाइप करना आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़े आइंस्टीन, क्या टाइप करोगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़े आइंस्टीन, या फिर डेंसिटी बड़े आइंस्टीन, या फिर रिलेटिव डेंसिटी बड़े आइंस्टीन। ठीक है, अगर अच्छे से समझना है तो, अगर तुम्हें डेंसिटी का भी कंसेप्ट नहीं पता तो पहले तुम डेंसिटी टाइप करना, फिर वहाँ से आगे के डेंसिटी वाला तुम लेक्चर देख लोगे, डेंसिटी बड़े आइंस्टीन, तो उसी के आगे वाली एक वीडियो आएगी रिलेटिव डेंसिटी, देन फिर उसके भी आगे वाली वीडियो आएगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन तीनों लेक्चर्स को देख ले रहे हैं एक साथ, मज़ा आ जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो वैसे मैंने समझाया हुआ है, अगर तुम लोग समझ डेली बाई डेली अगर मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट, हाँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी कब डूबेगी कब नहीं डूबेगी, तो सीधे सीधे लिख लो, बॉडी जो है ना डिपेंड करती है वाटर और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी, अगर वाटर की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बराबर है, मतलब कि दोनों की डेंसिटी 1:1 है या फिर 2:2 है, 3:3 है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्सटेंस क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी कि तैरता रहता है। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से तो सब्सटेंस डूब जाता है। ठीक है, तो लिखो द फ्लोटिंग ऑफ द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट
डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट का इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द density of the water, it will floats, it will float. Next, if the density object is greater than तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख देना। ठीक है, तुम लोग डेंसिटी ऑफ द वाटर इट विल बी सिंक्ड। ठीक है, जो चीज़ आपको बताइए वही चीज़ें लिखी हैं। ऑब्जेक्ट का डूबना, द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का डूबना या फिर फ्लोट करना, मतलब तैरना या फिर डूब जाना डिपेंड करता है दोनों की डेंसिटी पर, यानी कि वाटर और वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट को हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटीज पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर इट विल फ्लोट। अगर वाटर और ऑब्जेक्ट इन दोनों की डेंसिटी अगर सेम है तो सब्सटेंस फ्लोट करता है या फिर ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। नेक्स्ट है इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर इट विल सिंक। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी या फिर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज़्यादा है वाटर से तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो दबा के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।